वहां पे कहीं ना कहीं मन में ये सवाल जरूर उठता है कि अदनाम सामी कौन है? अदनाम सामी 6 साल पहले भारत देश में आया, 6 साल पहले भारत देश में आया, जिसके पिताजी हमारे भारत देश के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसके पिताजी ने पाकिस्तान जो हमारे देश के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता रहता है, आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है, हम उसके खिलाफ अदनाम सामी जिसके नाम के खिलाफ ही हम इसलिए खड़े हुए हैं कि जहां पे उनके पिताजी का नाम आ गया वहीं हम उनके खिलाफ खड़े। रही बात अदनाम सामी को देने की कि अदनाम सामी को पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, उसने कौन से हजारों गाने बना दिए, कल परसों का अदनाम सामी है, उसने कौन से कितने गाने लिखे, कितने गाने गाए, 10-20 गाने गा के किसी को पद्मश्री दे सकते हो? कौन सा उसने देशभक्ति के लिए काम किया कि कोई उसने कोई राष्ट्र के लिए कोई बहुत बड़ा भजन गाया हो, कोई देशभक्ति गीत बनाया हो जिसकी दुनिया में चारों तरफ चर्चा हुई हो? उसने तो लिफ्ट करा दे गाना गाया था, वो देश में हिट हो गया, अब वो खुद लिफ्ट कर रहा है आज।